अद्वैत अनंत प्रभु जगन्नाथ शपथ ब्रह्मांड नाथ लक्ष्मीकांत श्रीमंदिर रे रतन बेदी रे दर्शन दिए टेकी दुई हाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ नमस्ते सत्यते जगत्कारणाय नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय नमो अद्वैततत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरतात्मतत्त्वम् सचित् सुखम् परमहंसगतिं तुरीयम् जत्स्वप्न जागर सुषुप्ति मवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघ नमो अकिंचन विताय निवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। चतुर्थ धर्म चतुर्थ ज्ञान स्वधर्म फल ज्ञान एमिति कले भगवानकर दासानुदास ही रहिले शरीर बुद्धि रे नकरी आत्मिक बुद्धि रे कार्य कले कौन फल मिलिवो ये स्वधर्मर स्वभावर भगवत भावर फल कौन मिलिवो ये होचे भक्ति प्राप्त मुक्ति दरकार नहीं कारण मुक्ति पाई जीव केवे लालायित तो हुए नहीं कारण कर्म कले कर्मर फल होचे मुक्ति एथिरे तो संदेह नहीं जदि मुक्ति एक स्वतः सिद्ध कर्म फल तापाई एते प्रयत्न करिवार कौन आवश्यकता अच्छे आदौ आवश्यकता नहीं मुक्ति पाई मोक्ष पाई मुख्य आपे आपे हम मुक्ति आपे आसव कर्मर फल रूप से आसव तेणु तापाई एत व्यस्त हबार किसी ना तो जीव तेल कौन करहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति केवल भगवत भक्ति प्राप्ति हम ये हूँ स्वधर्म फल ज्ञान संपूर्ण फल ज्ञान ये भगवत चरण से भक्ति आसब दासानुदास भाव र भवे भवे यथा भक्ति पादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो जतः प्रभु ये श्रीमद् भागवतमर शेष श्लोक एथिरे जीव कहुची गोटे कथा प्रभु आपणक चरण रे भवे भवे अर्थात जन्मे जन्मे आपणक चरण रे मोर भक्ति आसु एथिपाई मोर प्रयत्न किछि नाही आपण ही करिवे तथा कुरुष्व देवेश देवेश हे प्रभु आपण ही एक करेबे कहीं करेबे नाथस्वं आपण ही मोर केवल एकमात्र नाथ आपण के व्यतीत मोर अच्छी बा किए संपूर्ण मत स्मृति ज्ञान अपोहनांच मोर ज्ञान आपण मोर भूली जीवार गुण आपण मत बतई दबार गुण ही आपण सबकि सृष्ट तेणु बारंबार जिते जन्म मोर आसब आपण पदर भक्ति र यही कथा आपण ही करिबे भक्त एति कि टाणुआ तार मनोवृत्ति चित्तवृत्ति एते दृढ़ जे भगवान को उपरे सबु समर्पण करिचि बोली ये योगक्षेमर भार भगवान नेबे एथिरे मध्य से निश्चित हो जाउछ।
तो ये स्वधर्म फल ज्ञान गला पंचम ज्ञान ना हूँ स्वधर्म फल विरोधी ज्ञान। कौन विरोधी ज्ञान हम क्या कि ज्ञान विरोधी ये है सब धरतु जीव को ईश्वर बोली मानवा ये एक विरोधी ज्ञान स्वधर्म फल विरोधी ज्ञान। जीव ईश्वर नुहे कौन सी जीव केवे ईश्वर हो पारना समुद्रात तरंग तरंग न समुद्र भवती समुद्र ढे आसे तरंग सृष्टि हुए कारण विशाल एक जलराशि भितर तरंग उठवा स्वाभाविक तरंगरु कौटी समुद्र सृष्टि हो जाए परमात्मा संपूर्ण भाव तार अंश भाव आत्मा को मानी जानी एवं सी संपूर्ण अंश अंशी संपर्क आत्मा परमात्मा हो पारना ये जो भेद ये अचिंत्य जहाँ को आम शास्त्रीय भाषा रे अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहू तो जीव केबे भी ईश्वर हो पारना किंतु संसार देखा जाउची अनेक लोक अनेक जीव संपूर्ण भाव निज को ईश्वर बोली प्रतिपादित करुछंती मानि नबार ना होची विरोधी ज्ञान। जीव केबे भी ईश्वर हो पारना ये कथा न जानिले ये विरोधी ज्ञान आसीबो जीव को ईश्वर बोली मानिबा एक विरोधी ज्ञान। संपूर्ण भगवत शून्य कर्म को भगवत प्रीति अर्थरे कर्म करा जाउ पारु नाही संसार पाई कर्म करा जाउनी ताकू कर्तव्य बोली मानिबा ये मध्य विरोधी ज्ञान। समर्पित कर्म नुहे प्रभु समर्पित हेनी कर्म किछि भी निज मनमानी भावरे करुजो ताकू कहुच मु करुची मो कर्तव्य करुची से कर्तव्य वृद्धा मोघासा मोघ कर्मणा मोघ माने निष्फल ये समस्त निष्फल ये कर्म तेणु भगवत प्रीतिशून्य कर्म को कर्तव्य बोली मन करवा ये मध्य एक विरोधी ज्ञान निश्चित विरोधी ज्ञान। ये पंचम ज्ञान शुष्क वैराग्य गोटे वैराग्य आसीगला यही कथा देखे हाँपाई जमती आम बाया बाबा गीतार लिखिंट बसी निशधाड़ी छाड़ी भालु ए कहीं जति है खाली निशधाड़ी छाड़देले तिलक करदे चिता मारिदे गेरुआ पिंधिदे जनकर भक्ति आसीगला जनकर वैराग्य आसीगला ये तो केवल लोक देखाणिया कथा एथिरे वैराग्यर ना गंध भी ना आदौ ना तेणु शुष्क वैराग्य तुच्छार वैराग्य देखे वैराग्य आसुना विराग ना केवल सराग केवल आसक्ति केवल ममतापूर्ण यही भाव बंची रही देखे हवा विराग वैरागी पणिया देखे हवा ये मध्य विरोधी ज्ञान। तेणु यही पांचोटी ज्ञान को यथाथ भाव जाणिले पांचरात्र धारार ये हूँ मुख्य उपजीव्य जे पांचोटी ज्ञान रहिबो कौन है रात्रंच ज्ञान वचनम रात्र शब्दर अर्थ ज्ञान ज्ञान पंच विध स्मृत ज्ञान हूँ पांचोटी भगवत ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वधर्म ज्ञान स्वधर्म फल ज्ञान एवं स्वधर्म फल विरोधी ज्ञान ये हूँ मुख्य उपजीव्य ये पांचटी ज्ञान कथ तेनेदम तेणु यही कथा कहगला जे भगवत रूपम यही भगवान रूप को पांच रात्र इति ख्यात पांचटी ज्ञान बोली कह जा भगवान रूप कोईपरी भाव पांच रूप करमती ज्ञान पांच प्रकार भगवान स्थिति की परम ब्रह्म तो सर्वव्यापक जत्किंचा जगत्यांग जगत ईशा बास्य मिदं सर्वम ये जगत जहाँ कि जड़ हौ चेतन हौ संपूर्ण भाव जहा कि अच्छे लिंग होकोसी जिनस हो सबुरे ईश बा ब्रह्म परमात्मा बास्यम सबुरे ये व्याप्त भगवान व्याप्त ब्रह्म व्याप्त तेणु जगत रे सबुकि ब्रह्ममय हो ब्रह्मर स्थिति की पांचरात्र धारे पांच प्रकार स्थिति रे प्रभुंकर पांचटी रूप कर ये स्थिति रे को स्थिति रे से रहिबे भगवान कर प्रथम स्थिति
ब्रह्म बा परम ब्रह्म स्थिति पर जहाँ को आम पर बोली कहचे सी हूँ परम ब्रह्म बा परमात्मा रूप। द्वितीय कथा द्वितीय सत्ता हूँ विभ जोठि रहिबे एकाकी रहिबे नाही विहार चित भाव रे रक्षा कवच भाव रे गुड़ भाव रे तांकु घेरी रहितिला बोली परिषद क सह किंबा किछि तत्व क सह रहिबा ये होची विव पर विव। तृतीय कथा विभव विभव शब्दर अर्थ होची विभूति भगवान जहाँ को ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण तत्व जहाँ को निर्देशित करिसंती एवं सेथिरे आवेशित हो जाइछनि केउठी संपूर्ण ऐश्वर्य रे भगवान आवेश केउठी परम आश्चर्य रे केउठी धन रे केउठी मान रे केउठीरे चिकित्सा रे जे कोनोसी संपूर्ण विभूति भगवान कर विभूति जेउठी प्रतिफलित हेछि से समस्त विभव मूर्ति भगवान कर ये मध्य गोटे रूप पर रूप बा परम ब्रह्म रूप विभ रूप एवं तृतीय रूप हला विभव रूप। चतुर्थ रूप बा चतुर्थ स्थिति होचे अर्चा अर्चा शब्दर अर्चित होतिबा पूजित होतिबा विग्रह माने। द्वितीय कथा हला एई अर्चा रे आसुथिबा को माने आसंती अर्चा रे भगवान जते अवतार नियंती निज रूप रे न आसी पितृ रूप रे देवता रूप रे साधु संतंक रूप रे संपूर्ण भाव रे मुनि ऋषि मानक रूप रे एई भली जीवर उपकार करिवा पई जगतर उपकार करिवा पई प्रभु निज रूप रे न आसी जत्ते बेले एई रूप रे आसंती जगत मंगल पई सेत्ते बेले ताकु अर्चा रूप बा अवतार रूप। पंचम रूपटा होचे अंतर्ज्यामी रूप भगवान संपूर्ण भाव रे आत्मा रे अछंती सर्वस्य चाहम हृदि सर्निविष्टो समस्तंक हृदय रे मु विराजमान अछि। ताले आमे जानिले ये पांच रात्र काही की जते गुरुत्व लाभ करिछि पांचटी ज्ञान रो कथा पांचटी भगवत स्थिति एयाकु समन्वय करी जेउ धारा जेउ उपासना पद्धति सृष्टि हेछि तारी ना पांचरात्र पद्धति बा पांचरात्र धारा। यही धारा रे सबुठी दुनिया रे जा जेते कथा देखिबे सबुठी खंडन अछि मंडन भी अछि। धरंतु ए रीति रे चली थिबा बेले जणे पाशुपत संप्रदायर लोक जणे शैव संप्रदायर भक्त सी कहिले ई भगवान शंकर आशुतोष तांकु टिकिए डाकी देले मन प्राण दे डाकी देले शिव शंकर बोली संबोधन करि देले शंकर भगवान सांगे सांगे फल दे दियंती किंतु जगन्नाथ डाकी डाकी परीक्षा नेई नेई शेष पर्यंत मध्य फल देवारे बहु विलंब बहु परीक्षा निरीक्षा पर फल मिले। ये खंडन होगा कथा धारा चली ठीक देवतांक भितरे विभेद करिबा कथा नुह शिव जल्दी बर देवे ब्रह्मा दे पारेनि ये विष्णु बहु डेरी दिखते ये कथा भाविल कहीं तुम मन को चाह तुम प्रकृति की चाह तुम स्वभाव अनुसार तुम ये कथा कौच तेणु महिमार खंडन होगा जे भगवान विष्णु रूप से बहु डेरी दिखती यह महिमार खंडन या मंडन करने कम कथा जगत में ना जी विष्णुकर मंडन करने या पुणी जो परिस्थिति आसला से गोटे सुंदर कथा आसला आम गदाधर सिंह सामंत सी गोटे कथा लिखी शंकर भगवान बर दे दिंती एवं देख कि भाव में विष्णु शंकर रूप नहीं अंश किभली भाव शंकर अंश विष्णु देह केमी अच्छी मुक्ति बा मा उक्ति सत्य हेबा पाई अजाड़ी लावण्य अंबु प्रबाल शक्ति रे भरी गयस कि पूजे मर कत शंभु पूजे मर कत शंभु भगवान जगन्नाथंकर आखि दीटिक देख संपूर्ण भाव रे संपूर्ण गोलाकार आखिर नेत्र प्रांत नेत्रर शेष भाग नाली रंग प्रबाल रंगर पोहला रंगर मझीटी धला एवं ता भितरे कला डोला ये कौन सूचित करछि जानुछंति सब उतरे मुक्ति बामा उक्ति सत्य हेबा पाई अजाड़ी लावण्य अंबु थरे मुक्ति नारी कहिला भगवान जगन्नाथ का आखि शिवलिंग
शिव जल्दी वर दौना आखिकी चाहिए केवल से ही फल मिल जाए। यही कथा को सत्य करने मुक्ति नारी कला कौन भगवान का आखिरे तीनोटी रंग जहाँ घेरई दे संपूर्ण शक्ति प्रबाल रंगर पोहला रंगर थिला प्रबाल शक्ति रे भरी गयस कि गयस फूल धला एमती गयस फूल ता भितरे से शक्ति भितरे भर्ती करी देला नेत्र प्रांत नेत्रर शेष भाग देखागला प्रबाल पोहला रंग मझीटा देखागला संपूर्ण धला एवं पूजे मरकत शंभु मरकत कहिले कला धलार प्रबाल शक्ति भितरे धला गयस फूल मझीरे एक मरकत लिंग कला लिंग जहाँ को आम शंकर भगवान कहू भगवान जगन्नाथ आखिटा ही शिवलिंग एक मंडन हो गला तेणु खंडन अच्छी मंडन अच्छी सबुठी ये प्रक्रिया चलो किंतु पांचरात्र पद्धति खंडन एते क्षीण जे एते क्षीण मोटे बारी हुए ना जाणी हुए ना जे ये धारा को कही व्याहत करिवो कही खंडन करिवो कारण शास्त्रीय मतरे आगम ठारु निगम पर्यंत वेद पर्यंत सबु किछि उपासना पद्धति एथिरे सन्निवेशित थिबारु खंडन मात्रा एथिरे बहुत कम। खंडन संपर्क रे टिके साधारण आलोचना टिए देखिबे भगवान वेद व्यास निज रचन एते इति सृष्टि कर सारापर अष्टादश पुराण महाभारत इत्यादि सब सृष्टि कर सारापर जिते बड़े एमती खंडन शिकार हेले अतिष्ठ हो पड़े व्यासस्य वचनम द्वयम ये अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम इत पुराण लिखिंट व्यास से किसी कथा नहीं परर उपकार कले पुण्य हुए पर को पीड़ा देले पाप हुए कथा एति तो एतिर जड़े लोक एत परिश्रम करी विष्णुंकर अवतार संपूर्ण भाव इतिशास्त्र आयत कर जनमानस लिखि जाती तथापि एमती खंडन हेले कौन करे सी भगवान को डाकिले यंकर व्यासदेवंकर क्षमा जाचना कौन कहले प्रभु रूपं रूप विवर्जितस्य भवतो ध्यानेन जत कल्पितं स्तुत्या अनिर्वचनीयता अखिल गुरु दूरीकृता जनमया व्यापी वत्सं निराकृतो भगवतो जतीर्थ यात्रा दिना क्षन्तव्यं मे जगदीश तद विकलता दोषत्रयं मत्कृतं। हे प्रभु आपण को न पचारि न जणे मु तीनोटी दोष करि पकेछि प्रभु कौन तीनोटी दोष की दोष तीनोटी कल विकल दोष रे पुणी विकल भाव रे दोष करि पकेछि समय न पाई दोष करि पकेछि भगवान को पाखे निज दोष स्वीकार करछन्ति व्यासदेव कहिले प्रभु रूप विवर्जित आपण आपणकर रूप नाही शरीर नाही अकायम एक कथा मु जाने तथापि रूप नहले न चले भक्त टीप रूप टीए दरकार से भक्त मानी सात्वत मानी संपूर्ण आपण शरणागति नहीं लोक मानी अरूप जीए रूप विवर्जित जीए ताई कि रूपर परिकल्पना मुझे रूपं रूप विवर्जित से रूप विवर्जित रूप मुझे केमी आनी ध्यान जत कल्पितम से मानकु किछि ध्यान मंत्र मु सिखैछि सेई ध्यान मंत्र पढ़ी सी आपणकर एक रूप को पाई पारिबे ये मोर प्रथम भूल। द्वितीय कथा प्रभु मु जानिछि स्तुतिया अनिर्वचनीयता अखिल गुरु दूरीकृता जन्मया मु जानिछि आपण बाणीर विषय नुहंति आपण बाणी रे प्रकाशित हेइ पारिबे नाही अप्राप्य मनसा सह जतो बाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह मनसह बाणी आपण को बुली बुली नपाई तो फेरी आसंती तेणु बाणी रे भगवत प्रकाश हो पार असंभव एक जाणी कौन सी बाणी रे कौन सी शब्द रे आपण को रूपायित करहब ना तथापि भक्त मानी मुझे स्तोत्र मंत्र किसी स्तुति आदि तक रचना कर जहाँ को पढ़ी
से आपणकर गुण महिमा ये सब कथा जानी पारिबे एवं आपणकर प्रशस्त गान करी पारिबे आपण को स्तवस्तुति रे संतुष्ट करी पारिबे बाणी रे संतुष्ट करी पारिबे सेति पई मु से मानकु किछि स्तोत्र मंत्र सिखैछि। ये मोर द्वितीय भूल। तृतीय भूल प्रभु मु जानिछि सब कथा जणा बसी जे भगवान को पाद पद्म व्यतीत संसार रे आ स्थान किछि नाही भक्त पई अन्य किछि स्थान नाही बाहर को जीवा दरकार ना तीर्थाटन करवा दरकार ना संपूर्ण भाव जमती आम भागवत जगन्नाथ दास लिखिं सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे आश्रम नामे बदरिका से कि तो चरणु अधिका यथा को मुझे आपण को पाद पद्म को छाड़ी दबा परे अन्य किछि तीर्थ व्रतर आवश्यकता नहीं तो एतिपाई आपण चरण में मन रागिकी रखा कथा किंतु ये जो व्याप्ति अच्छी जो कथा परंपरा रे चली आसी कथा को व्याहत करी निराकृत करी मु भक्त मानक तीर्थ यात्रा करने एमती किसी उपदेश कहीं तीर्थर से मानकर दुईटी लाभ तीर्थ जिते पवित्र तीर्थर बारी जिते मानने संपूर्ण शरीर पवित्र कर सेठी जो मुनि ऋषि मानकर साधु संग हबो अनेक सत्संग हबो यारी लाभ पाइबा पे संसार रे उभय विध सुख माने ई सुख पाई गोटे स्थावर गोटे जंगम तीर्थबारी तीर्थर पुण्यता सेठी विराजित प्रभुंकर आशीर्वाद एवं मुनि ऋषि मानकर साधु संग एति पाई मु भक्त मानकु तीर्थ यात्रा जीवार अनुमति देछि प्रभु ये तीनोटी दोष आपण को नजणे मुझे तेणु संपूर्ण भाव क्षांतव्यम जगदीश तद विकलता विकलता दोषर यही तीनोटी मुकई आपण मत क्षमा दिं भगवान एक केमी भी सु शुणवे जड़े यही कथा कर सारी क्षमा जाचना करुच्छे अमानी मानद प्रभु जी मान पाइबार योग्य नुहे ताकू सम्मान दबार उन्नत करी ताकु संपूर्ण वरण करी प्रभु ताकु महान करी तोलंती तो व्यासंकर ये क्षमा जाचना को प्रभु स्वीकार करी नहंती ताहाकु ग्रहण करी नहीं चंती बोल महाप्रभु जगतपति जगन्नाथंकर जय। तुमे ही गति तुमे ही मुक्ति तुमे तो परम शांति स्मरण मात्रे तुमरी नाम संसार मिलई मुक्ति हे चक्रहस्त पांचाली लजात निबारी लटेकी दुई हाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ।